गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलो बेटा, पिछली क्लास में हमने टोरॉइड है क्या ये आपको समझा दिया था, करेक्ट? यहाँ तक तो हो गया था। मैंने बताया था सर। बेटा कि सोलेनोइड को ही जैसे दोनों तरफ घुमा के दोनों एंड जोड़ दें हम, तो वो हो जाता है अपना, तो वो टोरॉइड बन जाता है अपना, ठीक है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है बेटा। गेटिंग इट? अब बात आती है इसके, ये जो बीच का व्हाइट पार्ट है यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है बेटा, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो केवल इस बीच वाले हिस्से में होता है, और इस बीच वाले हिस्से को ही हमें ध्यान में देना है। इस बीच वाले हिस्से पे ही हमें वर्क करना है, और हमें इसको ढंग से करना है बेटा काम में। ओके, तो फटाफट से आइए, सबसे पहला काम तो यही करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए अभी के लिए। चलो तो बेटा इसके लिए मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, देखो वापस से। तो ऐसा कुछ है हमारे पास, और इसके बाहर में ऐसे मतलब एक लूप टाइप से है, और बीच में ऐसे वायर्स रेप्ड है इस पे चारों तरफ, है ना? खूब सारे वायर्स मतलब रेप्ड है इस पे चारों तरफ। ठीक है बेटा, इस तरह से वायर्स लपेटे हुए हैं। तो बेटा इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और हम ये मानते हैं कि इसके बीच की जो लेंथ है ना, ये लेंथ नेग्लिजिबल है। सो व्हाट वी डू, हम एक छोटा सा काम करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। हम यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक एम्पियर लूप कंसिडर करते हैं, ऐसे सर्कुलर लूप कंसिडर करते हैं, एम्पियर ऐसे आर डिस्टेंस पर। अच्छा वही बेटा, कुछ कुछ जनरल चीजें हम मान ले, तो n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n को क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। भूल गए बेटा, किसी का आउटपुट नहीं आया। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन n एंड n? सोचो जरा, एन बाय एल एल आएगा, बट एल की जगह क्या लिखूं बेटा यहाँ पे? व्हाट आई आई शुड राइट हियर? नहीं बेटा, आर नहीं। क्या होगी, इस लूप की लेंथ कितनी है? इस पूरी लेंथ ही, पूरे पाया। टेंस, हाँ, क्या इन टेंस की लेंथ 2 पाई आर हो जाएगी? यस सोचो सर। जरा, इन पूरे टर्न्स के लिए 2 पाई आर ही तो होगी। ये पूरी आर है, तो ये पूरे सर टर्न्स 2 पाई आर दूर में है। अच्छा बेटा, अब देखो हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्पियर लूप, एम्पियर लूप ऑफ रेडियस आर इज कंस्ट्रक्टेड एज शॉन। अब बस बेटा सिंपली एम्पियर का लूप लो या बेटा मतलब रूल लगा दो, हम यूज कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब समेशन आई के बेटा किस तरह से डील करें, तो वो किसी भी तरह करंट आई जाएगा, करंट आई आएगा लेट से जैसे। तो अब के बार समेशन आई जो होने वाली है, एक टर्न के लिए कितना है, तो पूरे टर्न के लिए लिखना पड़ेगा हमें। तो चलो लिखते हैं इसको। अच्छा बेटा, अगेन बी की बात करूं, बीच के किसी भी पॉइंट पे, तो डिपेंडिंग अपॉन करंट बी और डी एल अगेन सेम वैल्यू रहेंगे जैसा सोलेनोइड होता है, क्योंकि इसको सोलेनोइड की तरह ट्रीट करो आपका बी, और इसको मान लो एक सीधी तरह से कर दूं, तो क्या लूप, ये वाला लूप कंसिडर करो, देखो सोलेनोइड का ये वाली लेंथ सोलेनोइड की, तो उसको सीधा कर दूं, तो क्या पूरा का पूरा लूप ही इसके बीच में आ जाएगा, जैसे लाइन बन, ये लाइन जैसे बन जाएगा पूरा का पूरा लूप। बेटा इसको सपोज करो कि इसको मैं खोल दूं यहां से,
तो क्या ये लाइन पूरी सोलेनोइड के बीच है? इसको ऐसे समथिंग करो, थोड़ा सा देखो, लेट से इसको फ्लेट कर, इसको फ्लेट सरफेस पे कर दूं मैं ऐसे, सो द लाइन इज एक चेक इन बिटवीन। तो ये लूप के बीच में लाइन और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो हम बोलते हैं बी और एल पैरेलल ही होते हैं बेटा, यहाँ पे बी और डीएल पैरेलल है अपने यहाँ पे। सो लेट मी क्विकली डू इट। आगे क्या करेंगे बताओ जरा। What we are going to do next? बेटा बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस जीरो क्योंकि पैरेलल है। म्यू नॉट व्हाट इज समेशन आई, एक लूप का करंट है आई, तो एन लूप का करंट हो जाएगा एन आई। अरे समझ आ रहा है ना बिटू? Yes, बस अब देखो कॉस जीरो वन होता है, बी यूनिफॉर्म है पूरी इसके अंदर, तो आर दूरी पे सब जगह बी यूनिफॉर्म होगा, तो बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वॉट विल बी द इंटीग्रेशन डी एल? इस पूरे लूप की लेंथ, एंड वॉट इज द लेंथ ऑफ? 2 पाई आर। ये हर बार करते हैं म्यू नॉट एन आई, तो आप देख सकते हो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट, इसको ऐसे लिख लेंगे हम n अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। तो चाहे तो हम b को ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। आंसर वही आ रहा है जो सोलेनोइड के लिए आता है। यस आंसर इज सेम एज दैट ऑफ सोलेनोइड इटसेल्फ। देख सकते हो सोलेनोइड के लिए भी म्यू नॉट एन आई आया था, और यहाँ पे भी आंसर म्यू नॉट एन आई ही आता है, बस n का मीनिंग डिफरेंट है। वहां पे सोलेनोइड के लिए n होता था n अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनोइड, यहाँ पे n का मतलब है n कैपिटल एन अपॉन पेरीमीटर ऑफ सोलेनोइड। क्लियर? यस सर। छोटा सा डेरिवेशन है, इतना बड़ा नहीं, डरो मत, ये थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी एम्पियर लूप क्या ले रहे हैं, उसके बाद तो सीधा सा फॉर्मूला लगा के सेम चीज बिहेव रिपीटेड इट्स लाइक मल्टीपल टाइम्स। तो क्विकली इसको करो जल्दी से, जरा फटाफट से लिख लो।
हो गया क्या? बेटा लिखने में थोड़ा फास्ट रहो और रेस्पॉन्ड भी करो टाइमली। हाँ चलो बेटा देखो, बेटा एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, बट दिस इज आस्क इज ए क्वेश्चन ऑल्सो, तो एक क्विकली देखे इसको किस तरह से पूछा जाता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो दोनों तीन चीजें सेम ही होती है बेटा, ड्यू टू थिक वायर। तो बेटा किसी थिक वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना। सो यहां पे देखो, शो द लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रेडियस ए, इसकी रेडियस ए है वायर की, इस पूरे वायर की, कैरिंग स्टेडी करंट आई और इस पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन एंड आर ग्रेटर देन ए। तो बेटा पहला पार्ट आप सब करेंगे, ऐसा कुछ मैं बना देता हूँ यहाँ पे। केस वन, वेन आर इज ग्रेटर देन ए, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक ऐसा वायर है जिसके खुद की रेडियस ए के बराबर है, बहुत बड़ा वायर है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, एंड द रेडियस ऑफ विच इज ए, इसकी रेडियस बेटा बराबर है ए के, एंड यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एट अ डिस्टेंस आर विच इज ग्रेटर देन ए। क्या करेंगे, कोई हिंट देगा? बेटा मान लो करंट ऐसे जा रही है, तो क्या एक एम्पियर ट्यूब बना लो आर रेस का, इसको कवर करता हुआ? अरे बना सकते हैं ना, yes, sir. ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर अंदर इधर बाहर, तो ऐसे होगी। चलो ये भी हो गया, अब करो इसको खुद से, बी डी एल पैरेलल होंगे, ये डेरिवेशन एग्जैक्ट सेम है जैसे इनफाइनाइट वायर का होता था, तो जस्ट ट्राई इट, राइट डाउन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई आई के बराबर हो जाएगी और बी डी एल पैरेलल है, एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है, जस्ट डू इट। लिखो सभी बच्चे, एग्जैक्ट सेम है किसके जैसा? इनफाइनाइट वायर के जैसा। हाँ वही आएगा बेटा आंसर। तो चलो देखो करते हैं बेटा,
इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। वही बात बेटा, एक डीएल एलिमेंट है तो डीएल और बी दोनों पैरेलल रहने वाले हैं। आप वही फॉर्मूला लोगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अच्छा व्हाट इज समेशन आई? इस लूप से टोटल करंट, तो पूरा करंट इस लूप से ही तो जा रहा है। तो बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई दिया हुआ है करंट हमें टोटल, सो बी कौन यूनिफॉर्म आ जाएगा इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। डी एल हो जाएगी इस लूप की लेंथ, सॉरी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या बात समझ में आई क्या सर? बेटा? देखो सेम चीज रिपीट करते जा रहे, बहुत आसान है। आप जब तक करोगे नहीं, आप देखोगे नहीं क्या चीज चल रही है, तब तक नहीं बैठेगा। मैंने एग्जैक्ट सेम चीज फिर से रिपीट की है, लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग इट। यस नो? यस सर। अच्छा मैं आपसे पूछूं, पार्ट टू ऑफ दिस, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट आर इक्वल टू ए डिस्टेंस, मतलब जस्ट इसकी बाउंड्री पर, इसके सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? टेल मी टेल मी टेल मी, इसकी सरफेस पे कितना होगा? बताओ म्यू बेटा। नॉट आई बाय पाई स्क्वायर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अरे आर को ए रख दो, यस सर। इसमें क्या दिक्कत आई बताओ बेटा, कितना आसान तो है। थर्ड पार्ट देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी ऑल्सो। थर्ड पार्ट है बेटा, आपको अंदर बताना है इस सिलेंडर के और इस मोटे वायर के अंदर किसी दूरी का। तो बेटा थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ वायर, ताकि हम अंदर लूप ड्रॉ कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है कि लेंथ चेंज हो गई, बट हम लूप बनाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे बेटा मान लो इसके सेंटर से आर दूर पे मुझे फील्ड निकालना हो, तो मैंने एक लूप बना लिया यहाँ पे आर रेडियस का। क्या बात समझ में आ रही है? यस अब मुझे बताओ, इस पूरे वायर से, इस पूरे वायर के एरिया से करंट जाता है आई, तो क्या इससे कितना करंट जाएगा इतनी इतनी दूर से, क्या निकाल सकते हैं क्या? माइनस नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। तो सवाल तो वही हो गया, आई माइनस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट समेशन आई, बट द टास्क इज हियर टू फाइंड समेशन आई, दिस टाइम समेशन आई इज नॉट इक्वल टू आई। कैसे निकाले? सब कुछ वही होगा बेटा, बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, वही बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, वही बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई कैसे निकालू कौन बताएगा, सोचो बेटा। यहां से देखो, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, तो क्या मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए, पाई स्क्वायर एरिया के लिए करंट आई, इतने क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट जा रहा आई, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना जा रहा हो गया, पाई आर स्क्वायर से कितना जाएगा, तो कैन आई राइट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। अरे यूनिट मेथड है, तुमसे बोला जाए 10 पेन 75 रुपीज के आते हैं, तो 7 पेन कितने रुपए के आएंगे, क्या करोगे? 75 बाई 10 × 7। अरे यस सर। कॉमन सेंस कहाँ है, इतना तो समझते हैं। तो हमें दे रखा है कि इतने इस पूरे वायर के एरिया से करंट आई, तो हमें इस छोटे एरिया से चाहिए, तो ये लगा देंगे यूनिटरी मेथड। सो दिस द करंट पाई से पाई गया, सो द करंट फ्रॉम दिस इज ए आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट समेशन आई, जस्ट पुट इट हियर। तो यहां पे पुट कर दूंगा मैं, तो देखो क्या बन जाएगा आंसर में, सॉरी सॉरी सॉरी, सफाई स्क्वायर इनटू फायर स्क्वायर होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो यहां पे लाके रख देंगे,
तो बी इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई की वैल्यू आ गई आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और टू पाई आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एक आर से एक आर कट गया तो वैल्यू इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए स्क्वायर और ऊपर बेटा मल्टीप्लाई बाई में आर। तो ये थोड़ा सा अलग है इनसे आंसर, बट दिस इज द आंसर। क्या डिफरेंस आया, जो लूप था उससे जाने वाला करंट कम है, इससे जाने वाला करंट देख लो कम है क्योंकि आर छोटा है। अच्छा कम क्यों है, क्या साइड में जगह दिख रही है जहां से करंट जा सकता है? Yes, sir. जो इस लूप से नहीं जाएगा बेटा, तो वो करंट यहां से चला जाएगा, इस लूप से नहीं जाएगा। तो इस तरह से बेटा इसकी वैल्यू आती है डेरिवेशन होके। अगेन मैं रिपीट करूं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो कुछ भी नहीं है, पहला पार्ट जिग-जैग सेम जब इनफाइनाइट वायर हो जाए क्योंकि पूरा करंट अंदर है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है जो आपको समझने की नीड है, तो नोट डाउन करो इसे फटाफट से। और कोई पार्ट नहीं बन रहा तो पूछो, बट नोट डाउन जरूर करो इसे। बेटा अभी आज बातचीत वगैरह चल रही थी, होपफुली 12th और 10th हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त के आसपास से स्कूल साहब की ऑन हो जाए, सो बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो। सर 2nd अगस्त तो शायद हमारे पेपर है। अच्छा तो बेटा वही समझ लो, अपने पेपर फिर शायद हो सकता है ऑफलाइन लगे। कौन से पेपर ले रहे हैं 2nd अगस्त से? फर्स्ट टर्म सर। अच्छा सर स्कूल कैलेंडर में लिखा हुआ है। अच्छा स्कूल कैलेंडर में हो सकता है, क्योंकि आज ऐसी बात चल रही थी, मैं एक्चुअल में आई वॉज इन द स्कूल टूडे, 12th का रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उसके काम से स्कूल अभी थोड़ा जाना हो रहा है, तो थोड़ा बात हुआ तो पता चल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट प्लान कर रही है, मान के चलो ये होपफुली अगस्त और मिड अगस्त तक हो जाएगा ऑल, एटलीस्ट 10th और 12th। इवन सर इंग्लिश का सिलेबस भी रिड्यूस हो गया। अच्छा हो गया, वो तो कंफर्म हो गया क्या? यस सर। चलो गुड, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट्स के भी आ जाए। हाँ होपफुली आ जाए तो बेटर है। इन एनीवे अपन सर मेरे को नहीं पता सर मैं पढ़ के आता हूँ। सर हमारे केमिस्ट्री में तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा कौन सा? सर वो 4th चैप्टर केमिकल काइनेमैटिक्स, सर ने कटवा दिए जो जो पिछले साल हटा दिए थे ना 12th के सिलेबस से, वो वाले पार्ट्स पढ़ाए। वो नहीं पढ़ाए, कोई बात नहीं सर, 2 क्लास में खत्म कर दिए। हाँ अपन ने तो पढ़ लिया था ना बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सर फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर की तो डेरिवेशन भी नहीं करवाई, हाफ लाइफ भी नहीं करवाया, तो चैप्टर में है क्या फिर? यस। अरे नहीं बेटा करवाना चाहिए, वो सर ने कर दिया होगा ऐसे। सर ने बोला ऑर्डर हमारे पास यही आए कि पुराना सिलेबस कंटिन्यू करो। हो सकता है, बट जीरो ऑर्डर तो है सिलेबस में पुराने के अकॉर्डिंग भी। सर पढ़ाया तो था ऐसे ब्रीफ व्यू तो सबका दिया था, लेकिन डेरिवेशन वगैरह नहीं कर पाए। आप कोई बात नहीं, केके मीना सर पढ़ा रहे क्या? हाँ सर। हाँ तो बस, तो आपको सब उनको किसी भी तरह सितंबर में कोर्स खत्म करना है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई चल रहा है ना? हाँ सर बोल रहे थे सर। हाँ, बहुत पीछे चल रहा है सिलेबस, अभी जल्दी जल्दी करा दूंगा। कुछ नहीं, वो कैसे भी करके तुम्हारे सितंबर तक कर देंगे, अब चाहे एक दिन में चैप्टर हो चाहे 2 दिन में हो। सर बट सर फिर रिवाइज करवा देंगे। सर होंगे बोर्ड्स तो बेटा अगले साल ही होंगे। सर मार्च में होंगे ना सर जो शेड्यूल है? बेटा देखो अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी लहर नहीं आई या कुछ और नहीं आया तो बात अलग है, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले साल भी एक्सपेक्टेशन वही थी बट बीच में वो सेकंड वेव आके पूरा गड़बड़ हो गया। तो अंटिल अनलेस एनीथिंग बिग डू नॉट हैपेंस, मान के चलो मार्च और अप्रैल में ही हो जाएंगे बोर्ड्स इन लाइन, मार्च और अप्रैल के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करें। यस सर। चलो बेटा लिख लिया हमने,
मेरा देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, दिस इज इजी पार्ट, एम्पियर सर्किट लो, गॉस लो की तरह ही होता है, थोड़ा सा एक बार डेरिवेशंस को देख लो, चार चार लाइन के तो डेरिवेशन है, दो दो नंबर के फिक्स होते हैं यहाँ पे, अभी 2 मार्क्स में डेरिवेशन, 3 मार्क्स में डेरिवेशन आता है, थोड़ा सा लिख दो कि आर क्या है, ए क्या है, एम्पियर लूप लिया, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा लिखा नहीं है, यू जस्ट एक्सप्लेन इट अ लिटिल ब्रीफ दैट एम्पियर लूप ऑफ रेडियस आर इज कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन फिगर, करंट पासिंग फ्रॉम द लूप आर, फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट करंट पासिंग फ्रॉम लूप आर दैट वी विल टर्म एज समेशन आई, और फिर सॉल्व करो, यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर इट। ऐसे 4-5 लाइन के डेरिवेशन है, अब इतना तो हम कम से कम लिख के प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, 4 बार लिखोगे जितने में याद हो जाएगा, ये इतना ही हमें करने की नीड है, अब इतना भी नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत है, हालांकि बाद में तो मैं जबरदस्ती करवा लूंगा तुमसे, एक बार ऑफलाइन आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5-5 बार में सामने ही लिखवा लूंगा, बट स्टिल अभी एटलीस्ट खुद की तरफ से कुछ तो करें हम, क्योंकि अगेन द सिचुएशन ये कि यदि ये डेल्टा वेरिएंट इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा तो अगेन हो सकता है सब कुछ शटडाउन हो जाए वापस से, तो एक्सपेक्टेशन तो चल रही है कि स्कूल से या और सब चीज़ें अगस्त तक खुल जाएगी, बट ये जो डेल्टा वेरिएंट आया है ये यदि वापस सडनली इसके केसेज बढ़ना शुरू हो गए यदि, तो फिर सब कुछ वापस से गड़बड़ हो जाएगा, तो प्लीज खुद से तरफ से थोड़ा तो सिंसियरिटी दिखा के हम करना शुरू करें चीज़ों को। ऑल राइट, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, करो जरा। बहुत आसान है, दिमाग लगा के करो जरा। सिंप्लीफाई करके आंसर बताना, म्यू नॉट वगैरह सबकी वैल्यू रख के। हाँ इज इट डन? बेटा हो गया क्या, इतना टाइम थोड़ी लगता है, यस चलो देखो कितना आसान, तो है बी इक्वल टू म्यू नॉट है, नहीं फॉर्मूला लगाते हुए भी जोर आ रहा है तुम लोगों को, म्यू नॉट की वैल्यू पता निकालना है, ही सिपाही में आंसर, छोड़ना है या निकालना अरे वैल्यू सिंपलीफाई कर दे तेरे, एन क्या हो जाएगा, टोटल टेंस बेटा 500 है और लेंथ दी हुई है 0.5, तो ये हो गया नंबर है? और पॉइंट करंट है 5। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को, तो 4 पाई 5 से 5 क्या 1 10 ऊपर चला जाएगा 5000, तो 4 पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 5 जे 20, तो 20 20 का एक और 2 इसको उधार दे दो, तो दिस इज 10 टू द पावर 4, तो दिस इज 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, अब पाई की वैल्यू चाहो रख दो, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा ये।
हेलो, आवाज आ रही है क्या? सर हाँ, एक्चुअली बेटा लाइट चली यस गई है, अब पता नहीं, सर थोड़ी आवाज अटक भी सकती है, थोड़ा साथ देना मेरा। कई आंसर समझ आ गया क्या? क्या किया? टेस्ला। यस सर क्लियर? सर आवाज अटक रही है सर आवाज साउंड में कटी ग्लिच हुई हो है रहा अरे सर है। कोई बात नहीं, एक बार के लिए हो गया। सर हाँ, फटाफट से एक लिख लिया सबने। यस सर चलिए, बढ़िया बेटा, थोड़ी देर तो साथ दो मेरा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, कितने बच्चों को बेटा कुछ बेसिक चीजें याद है, जस्ट बताना मुझे। एक चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इस पे फोर्स किधर लगेगा? सर स्क्रीन प्लीज अच्छा नहीं चल रही सर इन विच डायरेक्शन फोर्स विल एक्ट? आवाज नहीं आ रही क्या? साउंड ग्लिच हो रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या करें अब, कभी कभी तो ये प्रॉब्लम भी परसिस्ट हो ही जाती है। अच्छा, लेट्स वेट फॉर 5 फ्यू मिनट्स। 5 मिनट वेट करते हैं, क्योंकि पूरी क्लास खत्म करने का कोई फायदा नहीं है ना। विल अगेन, मैं यहीं पे हूँ, ज्वाइन किए हुए, क्यू कीप ऑल्सो ज्वाइन। लेट्स वेट फॉर 5-10 मिनट्स, यदि लाइट आती है देन वी विल कंटिन्यू। ऑल राइट, तो लीव ना करे, भले जुड़े हुए रहो और अपना काम करो। इसको पढ़ लो एक बार, बुक से मैप कर लो इन चीज़ों को जो भी हमने पढ़ाई की, ठीक है? प्लीज डू नॉट लीव अंटिल अनलेस मैं बोलूँ नहीं कि अब क्लास नहीं ले पाएंगे, प्लीज बी देयर। ठीक है, आवाज़ बात समझ में आ गई सबको? यस सर अभी क्लियर आ रही है साउंड मेरे सर को? हाँ, अभी क्लियर आ रही है साउंड? यस सर देखते बेटा, फिर कोशिश करते। बताओ तो फिर, फोर्स कितना लगेगा इस क्यू चार्ज पे, किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट राइट तरफ। बहुत बढ़िया, इसको बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं हम, इसकी वैल्यू क्यू इंटू ई। इसी तरह बताओ बेटा, यदि माइनस चार्ज होता है यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अपोजिट होता, तो फोर्स किधर लगता? बहुत बढ़िया, लेफ्ट लेफ्ट में लगता बेटा फोर्स। वैल्यू तो वही होती क्यू इंटू ई, मतलब ई की अपोजिट होता, मैग्नीट्यूड सेम होता। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होता, वैल्यू केवल बदलती बेटा हमारे पास। क्या ये बात समझ आ रही है बेटू? ये दोनों बातें क्लियर हैं हमें? यदि ये दोनों बात क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब दो केस बताओ हमें। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया बेटा। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, अंदर की तरफ प्लेन के अंदर, और यहां पे एक क्यू चार्ज है, वो ऐसे वी वेलोसिटी से चल रहा है। बताए मुझे इस पे फोर्स किधर लगेगा? याद करो, फोर्स का फॉर्मूला होता था क्यू वी क्रॉस बी, हमने पहले लेक्चर में बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी, रिमेम्बर है हमें? अरे याद है क्या? सर तो फोर्स किधर आएगा? पहले वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो, और वी क्रॉस बी कैसे निकालना है तुम्हें दिख ही रहा है, बी इज इन साइड और वी इधर जा रहा है, तो बताया जरा इस पे फोर्स की, मतलब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ रही है? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, पहले तो ये बताओ। अरे बताओ तो सही। हाँ, सर पॉजिटिव वाई बेटा समझ नहीं पा रहे इसको, कितना बेसिक तो है। वी की तरफ एंड करो,
फिंगर्स अंदर करो, देखो थंब किधर जा रहा है। वी प्रैक्टिस इट इन फर्स्ट क्लास, रिमेम्बर है ये? पहला लेक्चर इस चैप्टर का बेटा यही प्रैक्टिस किया था पूरे चैप्टर में। तो वी इस तरफ है तो फोर्स किधर लगेगा इस पे? हे भगवान, अरे ऊपर नहीं लगेगा क्या? वी क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर आएगी तो फोर्स भी लगेगा, दैट इज एफ बी और वैल्यू होगी क्यू वी बी। कुछ समझ आ रहा है क्या? और देखो, यदि मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाए, ऐसे डॉट है मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू चार्ज को ऐसे चला रहा हूं मैं, आपके पास दिमाग लगाओ जरा, किधर लगेगा फोर्स? सर पॉजिटिव वाई। क्या आपके बार भी पॉजिटिव वाई आएगा? बिल्कुल। तुम लोगों को थोड़ा भी दिमाग में घुस रही है क्या जो कर बता रहा हूं मैं? यस सर। बेटा हैंड राइट हैंड यूज करना आना चाहिए, वी की तरफ हैंड करो, थंब्स बी की तरफ जानी चाहिए, तो फोर्स मतलब फिंगर्स, तो फोर्स थंब जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। आर यू एबल टू अप्लाई दिस? मैंने पहले भी बोला था इस चैप्टर में पूरा यही खेल है, यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई डायरेक्शन। क्या समझ में आ रहा है ये? यस सर। अच्छा बताओ बेटा, ये तो पॉजिटिव चार्ज था तब हुआ, यदि नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्यू ग्रेटर देन जीरो है तो फोर्स अपवर्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स डायरेक्शन क्या होगी बताओ? डाउनवर्ड। तो बेटा जो पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालो उसका उल्टा कर दो तो फोर्स आ जाएगा डाउनवर्ड नेगेटिव चार्ज के केस में। डायरेक्शन केवल चेंज होगी, वैल्यू तो वही रहेगी। इसी तरह यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या डाउनवर्ड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो कैसे करते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स? पहले वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो, यदि पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग निकाल लो आप तो डायरेक्शन फोर्स की, तो नेगेटिव चार्ज है तो उसका उल्टा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसी तरफ। इस तरह से हम कर लेते हैं। थोड़ी और प्रैक्टिस करवाऊं बेटा, बहुत जरूरी है डायरेक्शन फोर्स की, खासकर मैग्नेटिक फोर्स की। यस नो? यस सर। एक दो क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस आगे बढ़ने से पहले ना, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। बेटा आंसर बोलना मत और बच्चों को भी निकालने देना। वी इस तरफ है और बी ऊपर की तरफ है, तुम्हें वी क्रॉस बी मतलब फोर्स की डायरेक्शन बतानी। अच्छा मैं चार्ज भी लिख रहा हूँ दोनों के लिए, लिख देना तुम तो। Q ग्रेटर देन जीरो होगा तो फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, Q लेस देन जीरो होगा तो क्या होगी? चलो शुरू हो जाओ। V B वही दोनों के लिए लिखनी है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो पॉजिटिव के लिए निकालो, नेगेटिव को उसका उल्टा कर दो। V बेटा इसे प्लेन के अंदर है और B इस तरफ है। और देखो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, बी प्लेन के अंदर है और वी इस तरफ है। चलिए शुरू हो जाइए, और जब मैं आंसर बताऊं तो मैच करेंगे बेटा। एटलीस्ट प्लीज ऑल ऑफ यू ट्राई, एटलीस्ट मेरी आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी? Write the directions. Okay, yes, sir.
बेटा लाइट आ गई है तो आपका से नेटवर्क रिज्यूम होने वाला है। अच्छा रहा हम बने रहे साथ में। सब बच्चों ने फाइंड कर ली डायरेक्शंस। चलो देखो बेटा, काफी सारे बच्चे तो बोलते भी नहीं है बिल्कुल, एकदम कितना भी समझा लो। वी इधर है, बी ऊपर, तो वी क्रॉस बी। तो बेटा वी क्रॉस बी जब करोगे आप, वी ऐसे बी ऊपर, तो क्या बाहर की तरफ आएगा डॉट, और नेगेटिव चार्ज है तो क्रॉस। यहां देखो वी क्रॉस बी, तो फिर से बाहर की तरफ आएगा डॉट। क्यों ग्रेटर देन जीरो के लिए फिर से डॉट, और क्यों लेस देन जीरो के लिए क्रॉस। यहां देखो वी क्रॉस बी, वी अंदर की तरफ, तो हाथ को अंदर लेके जाओ, बी की तरफ फिंगर्स करो, इट विल बी डाउनवर्ड, और क्यों ग्रेटर देन जीरो। क्या हुआ बेटा? सर डाउन साइड। क्यों ग्रेटर देन जीरो के लिए, क्यों लेस देन जीरो के लिए? सर स्क्रीन स्टक हो गई। एक सेकंड बेटा, मैं सर आवाज भी अटक रही। जस्ट अ सेकंड, अब तो लाइट आ गई बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी दिखना शुरू हुई क्या स्क्रीन? सर अभी सब फ्री थी अभी तक। यस सर। अभी सर फ्रीज है। What's going on? Problem हो रही। कोई बात नहीं बेटा, दस दो मिनट ब्रॉडबैंड चालू हो रहा है, मे बी हल्का सा टाइम लेता है शुरू में स्टार्ट होने में। इंटरनेट वर्क किया क्या? अब बताओ बेटा, अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? चलिए बेटा, अब किसने क्लास लीव कर दी, मौका मिलती।
चलो बेटा आवाज आ रही है, तो ये डायरेक्शन समझ आई क्या कैसे बनाई मैंने? बेटा अभी तो आवाज आ रही होगी। वापस से पता नहीं नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। प्लीज लेट मी नो नाउ इज द स्क्रीन विजिबल। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा अभी देखो, पहला पार्ट हमारा ये डॉट और क्रॉस, दूसरे पार्ट में भी डॉट क्रॉस, तीसरे पार्ट में भी खुद अंदर है, तो हैंड ऐसे अंदर जाएगा और अंगुलियां इधर, तो थंब नीचे की तरफ आएगा। तो क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए नीचे, तो क्यू लेस देन जीरो के लिए किधर हो जाएगा फोर्स? और फोर्थ वाले में क्या आंसर होंगे सर? राइट राइट तो बी अंदर की तरफ, वी इधर, तो हम देखेंगे तो बेटा पहला आंसर वी इस तरफ से है हमारे पास में और ऐसे अंदर जाएगा, तो डेफिनेटली इट्स द राइट। तो क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए फोर्स होगा राइट। Yes, sir. बेटा ये प्रैक्टिस मस्ट है, इसके बिना आगे वाला पोर्शन जो अब मैं शुरू करूंगा उसमें बहुत दिक्कत आएगी। यदि डाउट है तो पूछो। नहीं है आगे बढ़ जाओ। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखो बेटा यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स वैसे बात कर चुके हैं, बट एक बार वापस जिक्र करते हैं बेटा इन द कैटेगरी ऑफ लोरेंट्ज फोर्स। व्हाट लोरेंट्ज फोर्स इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज व्हिच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू एट एनी इंस्टेंट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर एंड इज एडवांसिंग विद वेलोसिटी वी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। Then the force acting on charge, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हैं और चार्ज चल भी रहा है, तो उस पर दोनों तरह के फोर्स होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट फोर्स जो होता है बेटा दैट इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, इसको कंफ्यूज करना है। सो हियर एफ ई बराबर फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बी फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा सब पता है तो भले लिखने की नीड नहीं है। दिस नेट फोर्स which is vector sum of forces due to electric field and magnetic fields is called Lorentz force, named after scientist Lorentz who calculated it experimentally. क्या बात समझ में आ रही है क्या? बेटा see ये already हम देख
मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्योंकि क्रॉस भी पहले लेक्चर में, तो इसको अलग से मत लिखना. व्हाट वी आर सेइंग कि कोई भी चार्ज है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, क्या क्यू ही लगेगा? यस सर. यदि मैग्नेटिक फील्ड में मान लो चार्ज चल भी जाओ मान लो, तो इस पे क्या मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगेगा. तो कोई पूछे नेट फोर्स कितना है, तो क्या हमें दोनों फोर्सेज को ऐड करना पड़ेगा? बोलो हाँ कि नहीं. यस सर. बस वही नेट फोर्स हो जाएगा. तो इसी नेट फोर्स को क्या बोला जाता है, लोरेंट्ज फोर्स. सो लोरेंट्ज फोर्स इज नथिंग बट द नेट फोर्स विच इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स. तो बस इतना सा ध्यान रखना है बेटा, कभी भी लोरेंट्ज फोर्स पूछे तो हमें नेट फोर्स निकालना है. यदि इलेक्ट्रिक लग रहा है तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक लग रहा है तो मैग्नेटिक. अच्छा बताओ मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वही लोरेंट्ज फोर्स होगा. और इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है तो केवल मैग्नेटिक लगेगा, तो उसी को भी लोरेंट्ज फोर्स बोल सकते हैं. सो लोरेंट्ज फोर्स इज एक्चुअली, और दोनों लग रहे हैं तो दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो. क्या ये बात समझ आई हमें, व्हाट इज लोरेंट्ज फोर्स? अरे कुछ नहीं है इसमें, केवल दो वैल्यू को ही तो ऐड करना है. इज दैट क्लियर? यस सर. तो लिखो फटाफट से बेटा इसको. क्विकली लिखो जल्दी जल्दी से. बेसिक चीज क्या समझनी है, व्हाट इज लोरेंट्ज फोर्स. मैं चाहो तो इन शॉर्ट लिख भी देता हूँ यहाँ पे. लोरेंट्ज फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. अब वेक्टर बेटा फोर्स वेक्टर होता है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होंगे, बस इतना ध्यान रखना है. दिस इज कंप्लीट, बस अपने काम की इतनी सी चीज है. और मैग्नेटिक फोर्स भी निकालना आता है हमें और इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकालना आता है. दैट्स इट. जिडन
इज इट डन? यस सर। यस सर। चलिए देखो बेटा, और अब बिटू हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, एंड दैट इम्पोर्टेंट थिंग इज मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं। और मोशन हमारे पास दो तीन तरह का होगा, समझते हैं वन बाई वन बेटा, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला केस है बेटा, वेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कि चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और इवन बेटा मैं तो कहूंगा कि इसको यहां से नहीं, लेट्स लीव इट, क्योंकि मुझे एक इससे पहले भी केस बताना है। लेट्स स्टार्ट विद केस, डिफरेंट केस, वो बुक्स में नहीं होता बट कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहां से मत लिखो, मैं पूरा ही नए पे बता देता हूं बेटा। तो लेट्स कॉल इट केस वन, व्हेन चार्ज इज मूविंग इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक। तो बेटा चार्ज या तो पैरेलल, मतलब क्या हुआ बेटा, मान लो मैग्नेटिक इस तरफ है, तो चार्ज या तो इस तरफ चले या फिर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और चार्ज चले इस तरफ, तो क्या पैरेलल और एंटी पैरेलल टाइप से हो गया? Yes. अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा इसको बेटा मैग्नीट्यूड तो क्यू वी साइन थीटा, यदि मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा तो एफ का मैग्नीट्यूड, तो साइन थीटा कितना हुआ है यहाँ पे इस दोनों केस में? बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या दोनों केस में फोर्स जो आएगा वो जीरो हो जाएगा? सोचे बेटा सभी बच्चे एक बार के लिए अच्छे से, क्या इन दोनों ही केस में फोर्स जीरो होगा? समझ आ रही है बात? यस सर। बेटा सब बच्चे सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो लगाए हैं, साइन जीरो इज जीरो, साइन 180 इज आल्सो जीरो। तो जब फोर्स जीरो है तो एक बात बताओ, क्या पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या पार्टिकल जितनी स्पीड से चल रहा उतनी स्पीड से चल रहा होगा? यस सर। सिंस एफ इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दोनों केस पार्टिकल जो होगा बेटा, पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग विद सेम स्पीड। तो इसमें करने का नहीं होता बेटा, ये बुक से दिया हुआ भी नहीं होता, बट कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं जल्दी जल्दी में, कि बोल दे वी इज पैरेलल टू बी, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड हाउ विल बी द मोशन। बेटा मोशन उसका स्ट्रेट लाइन होगा, वो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा। दिमाग में आ रही है बातें या नहीं आ रही? हाँ तो लिखो क्विकली इसे, फिर सेकंड वाला लिखते हैं बेटा, जल्दी से लिखो इसे फटाफट फटाफट। व्हेन बी एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इंप्लाइज थीटा इज 90 डिग्री। This is the most important case we can say.
डन बेटा, इतना yes, तो लिखना है, लिख लिया होगा। अब बेटा सेकंड केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बी एंड बी परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया बेटा, समझने के लिए हम ऐसे बनाएंगे। मान लो बी प्लेन के अंदर है ऐसे, बी मतलब प्लेन के अंदर है और पार्टिकल ऐसे वी ऐसे जा रहा है वी स्पीड से, मान लो। तो क्या वी और बी परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, हो गए कि नहीं हो गए? यस यस यस। तो आप देख सकते हो डायग्राम वी इस तरफ है, बी प्लेन के अंदर है। तो सबसे पहला टास्क है बेटा मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। ये कोई क्यू चार्ज है? सर माइनस वाई। अच्छे से सोच के आंसर करो बेटा। तो सबसे पहले पॉजिटिव प्लस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का आंसर आएगा बेटा हमारा पॉजिटिव वाई। हम बना लेते इधर एक्स एक्सिस मानेंगे बेटा, इधर इधर वाई एक्सिस और बाहर निकलता हुआ जेड एक्सिस मानेंगे हम। और वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा वाई आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा बताओ जरा। क्यूवीबी एफ का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेटा क्यूवीबी, चाहूं तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं क्यूवीबी जेके। इवन मैं वेक्टर फॉर्म भी चाहूं आई कैन राइट क्यूवीबी जेके। बोलो समझ आती है इतनी दो बातें? बेटा स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन चीजें सीखेंगे। क्या दोनों चीजें समझ आ गई हमें? Yes, sir. चलो देखो बेटा अब तीसरी चीज। तो पार्टिकल पे इधर फोर्स लगा, एक बात बताओ ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है क्या वो स्पीड चेंज कर सकता है क्या? याद करो सर्कुलर मोशन क्लास 11th का, और इवन 9th क्लास में भी तुमने सीखा है, 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो बिटू बताओ क्या ऐसा फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है क्या? परपेंडिकुलर फोर्सेज कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकते। तो क्या चेंज करते हैं वो? केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलते हैं। भूल गए सब कुछ। अरे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता था? क्या यहाँ पे वी स्पीड होती थी तो सेंटर की तरफ एक फोर्स नेसेसरी होता था, नहीं होता था? yes, हर एक इंस्टेंट पे, भूलो मुझे काम मत करो, थोड़ा तो आइडिया। हर एक इंस्टेंट पे बेटा एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा? Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो बेटा मैं डायग्राम बनाऊँ तो तुम्हें समझ में आएगा, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है, इसको मत करो। कि वेलोसिटी की तरफ है और फोर्स इधर लग रहा है बेटा, तो फोर्स इधर लग रहा है तो पार्टिकल की बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी और पार्टिकल ऐसे घूमने लगेगा, और हर इंस्टेंट पे फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा एंड पार्टिकल विल एंड अप टेकिंग सर्कुलर पाथ। बेटा पार्टिकल का पाथ कैसा आएगा? पार्टिकल का पाथ सर्कल जैसा बनेगा। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट था हमारा फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्थ वी कैन राइट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। पार्टिकल बेटा सर्कुलर मोशन करने लगता है, मतलब ये बड़ा अच्छा डायग्राम नहीं बना, कहानी इस तरह की होती है कि पार्टिकल का इस तरह से मोशन होने लगेगा। एंड लेट से इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज r, v स्पीड इज v, लेट एट एनी इंस्टेंट, और सेंट्रीपेटल की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो कैन आई से सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इसको चक्कर कौन लगवा रहा है? थिंक अबाउट इट,
बेटा विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन? क्या मैग्नेटिक फोर्स ही है जो सेंट्रिपिटल फोर्स बन रहा है यहाँ पे? तभी तो ये चक्कर घूम रहा है। ऑलवेज रिमेम्बर देर मस्ट बी सम फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो बस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स? भूल जाते हो क्या? आर को एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? थोड़ी देर पहले ही लिखा था क्यूवीबी। क्यूवीबी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा हम केवल अभी। तो क्यूवीबी, तो देखो बेटा यहाँ से जो चीजें कट रही है उनको काट दो। एक वी कट गया, यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू एम वी अपॉन वी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेम्बर। सो कभी भी हमसे पूछे कि पार्टिकल जो सर्कल करेगा परफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो हमें वेलोसिटी पता है, मास पता है, क्यू पता है, बी पता है, तो क्या हम आंसर निकाल सकते हैं? अरे फॉर्मूला आगे इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक से कैसे क्या, लेट मी अगेन रिपीट। बेटा पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स नेसेसरी होता है सेंट्रिपिटल फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इन दिस केस द फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेयर द फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज ए मैग्नेटिक फोर्स। बेटा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा बेटा qvb, और इसको सॉल्व करके r की वैल्यू आई mv अपॉन qb। थोड़ा भी दिमाग में गया? दिस वैल्यू शुड बी रिमेंबर्ड बेटा, ये हमें हमेशा याद रखनी है mv अपॉन qb। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है, कोई भी पार्टिकल क्या सर्कल में घूमता है, तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकाले? फिफ्थ पॉइंट बेटा हम ध्यान रखेंगे, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर का टाइम बेटा। तो टी विल बी इक्वल टू एक चक्कर लगे दूरी तय करता है टू पाई आर, और स्पीड है वी। विल इट बी टू पाई आर अपॉन वी? बेटा बात समझे क्या? यस सर। सर्कुलर मोशन का टाइम ऐसे ही निकालते हैं, भूल गए सब कुछ। टू पाई आर एक चक्कर में चक्कर लगाता है और स्पीड भी है, तो एक चक्कर का टाइम कितना होगा? टी। सो वैल्यू रख दो आर की यहाँ पे। बेटा आर की वैल्यू रखूंगा तो टू पाई इंटू एम वी अपॉन वी तो है एक क्यूब। तो देख बेटा एम से एम कट गया, बहुत ही शानदार चीज है हमारे पास में, टू पाई एम अपॉन क्यूब। अगेन याद रखना है इसको। तो बेटा लिखो फटाफट से इसको, यहां से शुरू करो, जल्दी से लिखो इसे। हेलो, हाँ 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 आ जाओ, आ जाओ अंदर। बेटा यहाँ तक लिख लो तब बताना। एक काम करो बेटा, एक्चुअल में फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो एट इंस्टेंट पे लिखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दिस इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी लगातार बदलती जाएगी। लिख लिया हमने ये, यस नो, इस पे तो तीन ही लाइन तो लिखनी थी।
अच्छा तुम लोगों को पता है ना कल क्लास है अपनी, फिजिक्स की एक क्लास है कल, ठीक है ना? सर ऐसे मत करो, नहीं टाइम टेबल में नहीं आया है। ये कब हुआ? टाइम टेबल देखा करो बेटा पूरा। सर सुबह ले लो तो। ये सर सुबह ले लो, 7 दिन पहले से बताया हुआ है ये तो। और अभी तो सर सुबह ले, यार आपने बोला था आप संडे फ्री छोड़ोगे, आप फिर से संडे को क्लास लेने लग गए। अरे तो बेटा अभी क्लासेज मिस हुई है ना, इसलिए तो लेनी पड़ेगी। तो फिजिक्स की तो एक ही तो हुई थी। नहीं अपन टारगेट से पीछे है तो क्लास सर सुबह ले लो। ये भगवान, शाम को हमको भी तो काम होते हैं। कल तो लॉकडाउन है, कहाँ से सर? तू भी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी ना लॉकडाउन है। अच्छा ऐसा क्या? तो सुबह कब ले चलो बताओ, तुम लोग ही बताओ फिर, टाइम सजेस्ट करो। सर 9 सर ये जल्दी हो गया, 12 ले लो। सर 10 बजे ले लो सर। सर 12 ले लो, सर 10 ले लो। टाइम फॉर मॉर्निंग 1 बजे ले लो सर, बेस्ट। सर 10 सर 12 ले लो। अरे इतना अलग अलग सर, 10:30 ले लो सर, बीच की सर 12 ले लो सर, 10:30 के भी दो है। हे भगवान, और कुछ तो बोल नहीं रहे बिल्कुल भी सर, उनको लेनी नहीं है क्लास। हाँ सर वो जीत गए तो क्लास ही हटा दो ना। नहीं नहीं इन एनी वे यस सर, एक छोटा सा ऑप्शन ही बेटा, देखो पीछे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे चल रहे ऑलरेडी, सो दैट विल नॉट बी द केस। हम फिजिक्स में सर 11:30 से पहले कभी भी ले लो। हाँ तो 11:30 बजे के जा रहे हैं हम धूप में। नहीं सर जा तो नहीं रहे, बट उसके बाद नींद आती है सर। 12 बजे प्लीज। हाँ सर प्लीज 12:30। चलो सबकी लड़ाई को वो करते हैं, 11:15 से 12:30 ले लूं, 15 मिनट कम और। ओके सर। यस सर चलो ठीक है, चलेगा सर, ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? अरे नहीं 11 सर, अब ये नहीं चेंज हो सकता। नहीं बेटा ठीक है, देखो सबकी बात रह जाएगी, अब 12 से तो 45 मिनट तो कम है, एडजस्ट हो जाएगा इतना तो। ठीक है सर, 45 मिनट बहुत होते हैं। अरे नहीं अब शैतानी नहीं, देखो टाइम पहले से डिसाइडेड था, फिर भी तुम लोगों ने इतना लेट बोल रहे हो, मुझे पता था तुमने नहीं देखा होगा, तुमने अजम्पशन मान लिया होगा सेम टाइम टेबल है, एक बार चेक कर लेना, मैंने 7 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, सो प्लीज चेक इट। एंड क्लास अपन 11:15 से रखेंगे कल, ठीक है? हाँ अभी मैथ्स की क्लास है, हाँ मैथ्स की क्लास है अभी, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स की क्लास है अभी सर, वो 1.5 घंटे की। हाँ मैथ्स की क्लास, हाँ 11:15 से 12:30 फ्री कर दूंगा बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ थोड़ी देर कम, 15 मिनट। ये हो गया, इसको लिखो फटाफट। चलो जल्दी से लिख लो इसको, फिर इसके आगे से केस नंबर 3 शुरू करेंगे कल। सर आज मैथ्स की क्लास है? हाँ है बिल्कुल है। सो वो भी अभी पता चला जब टाइम टेबल देखा। हाँ टाइम टेबल देखा करो तो पहले से, मैं अभी अनाउंस भी कर चुका हूँ, देर इज अ मैथ्स क्लास टुडे, ठीक है? कहीं जाना नहीं है, बाहर गायब नहीं होना है। सब बच्चे तो वैसे गायब हो जाते चलती क्लास में। नहीं कोई यस सर, मैथ की क्लास में जब आधा घंटा बाकी था सिर्फ 3 बच्चे पढ़ रहे थे। बेटा बच्चे फिर खुद का भुगतेंगे ना, अब ऐसे काम करेंगे तो समझते तो है नहीं। लिख लिया हमने, यस सर डन। मेरे 2 फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी डायरेक्ट सवाल पूछता है इन दोनों फॉर्मूलों पे, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज 2 फॉर्मूले।
डन लिख लिया क्या? यस सर। हाँ तो ठीक है, कंप्लीट करो इसे, फिर आगे अगली क्लास से पढ़ेंगे बेटा। एंड मैथ्स की क्लास है, ऑलराइट? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।